हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग दो बहुत बड़ी खुशखबरियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो खुशखबरी है दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आरआई का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, याद रखिए अक्टूबर 10, 2020 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप अगर इसको लेट देखेंगे तो उसी अनुसार आप उसको मतलब समझिएगा। अक्टूबर 10, 2020 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और रीजनल बीएड और आरआई बीएड जो है उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो मैं पहले आपको ये सब चीज समझाऊंगा, कैसे क्या करना है, कहां कहां कैसे, मतलब पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है। आपने एक टर्म देखा होगा कि आप सबको तो पता है आरआईई क्या है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, ये बताऊंगा। आरआईई या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या फिर रीजनल बीईडी, बहुत लोग समझते हैं उसको रीजनल बीईडी या फिर रीजनल बीएड, रीजनल बीएड एमएड वो क्या है ये आपको समझाऊंगा। और एडमिशन कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ है, क्या कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, सब कुछ समझाऊंगा। बहुत लोग को ये भी डाउट है कि सर प्रारंभ क्या है, आप बोल रहे थे प्रारंभ, इन दोनों के बीच में आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल को बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं, तो पहले उनके लिए जो खुशखबरी है मैं आपको बताता हूँ। उनके लिए दोस्तों ये खुशखबरी है कि मैं आरआई जो है उसके लिए 2021 और 2022 के लिए गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। 2021 और 2022 का जो सीई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, जिनके भी मतलब बेटा या बेटी है 11th या फिर 12th में है, ठीक है, या फिर 12th कर चुका है या फिर ग्रेजुएशन भी कर चुका है, बीएड के लिए एडमिशन लेना चाहता है या फिर इंटीग्रेटेड के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो या फिर चाहती है, तो उसको आप अपने कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। सारे के सारे बुक्स मिल जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बुक्स जो है ना ये बुक्स सफिशियंट नहीं है, क्योंकि आप जिस किताब पढ़ रहे हैं उस किताब को आपके जैसे और हजार लोग पढ़ रहे हैं। आप मान लीजिए आप एमपी से बिलोंग करते हैं या फिर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो आपके सेम स्टेट से आपके जैसे हजारों बच्चे उसी सेम किताब को पढ़ते हैं, क्लियर। तो इसीलिए एक ही किताब को अगर सब लोग पढ़ेंगे तो कंसेप्ट सबको सेम समझ में आएगा। आरएम एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो तो किसी को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने प्लान करके, मेरा जो टीम है हम लोगों ने प्लान करके आरआईसी का एक सुपर 50 बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। इस सुपर 50 बैच में आप एनरोल कर सकते हो और हमसे पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे आपको 100 आवर का कोर्स दूंगा, 100 घंटे का कोर्स, और बहुत सारे टेस्ट रहेंगे जिसमें हम लोग 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आरआई के लिए हम लोग 5000 क्वेश्चन प्रॉपर ट्रिक्स और मेथोडोलॉजी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को सिर्फ गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आरआई में उनका सिलेक्शन होने का चांस है और आगे क्या करना है, फ्यूचर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो फ्यूचर गाइडेंस भी दोस्तों आप ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक करियर काउंसलिंग सेल हम लोगों ने बनाया है, आप उस करियर काउंसलिंग सेल में करियर काउंसलिंग आप यहाँ से एडवाइस ले सकते हो हमसे। इसका अभी के लिए अक्टूबर 10 के लिए अभी ये फी जो है ये 100 रुपया है, ये पर ईयर है दोस्तों, मतलब एक साल में आपको सारे के सारे एडवाइस सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएंगे। फ्री में क्यों नहीं मिल रहा है दोस्तों, देखिए आप खुद सोचिए, मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, ठीक है, दिन में लगभग 100 लोगों का व्हाट्सएप टेलीग्राम और जो कमेंट्स मिला के 100 से भी ज्यादा मैसेज आते हैं, सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी नीडी है, नीडी लोग ये लेंगे, मेरे को पता है जो नीडी नहीं है वो तो नहीं लेंगे, ठीक है ना, जो नीडी लोग हैं वही करियर काउंसलिंग लेंगे। और उन नीडी लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इतने सस्ते में सिर्फ 100 रुपए में पूरा साल भर का 365 दिन में आपको सिर्फ 100 रुपए देने हैं, इतने मतलब सस्ता यहाँ पे रखा गया है, ताकि जो नीडी है उसको हेल्प मिल सके। इतने सारे मैसेज है, मैं स्क्रीन आउट करने मेरे को डिफिकल्ट होता है, किसको हेल्प, किसको रिप्लाई करूँ, किसको ना रिप्लाई करूँ, ये मेरे को प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो भी नीडी है मेरे को पता है, वो मेरे को रेस्पेक्ट करते हैं, मेरे साथ सिर्फ एक दिन के लिए जुड़ना नहीं चाहते, एक महीने तो अब जुड़ चुके हैं, आगे भी मेरे साथ वो एक साल के लिए जुड़ना चाहते हैं या फिर फर्दर 2 साल 3 साल 4 साल या फिर लाइफ लॉन्ग भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं करियर काउंसलिंग यहाँ पे ज्वाइन करके। यहाँ पे मेरे साथ आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनली आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, कभी कभी मैं आपके वहां पे जाऊंगा तो मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दो चीज आपको बताया, ये पेरेंट्स गार्डियंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे एडमिशन कैसा करना है। पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ आरआई और प्रारंभ के बीच में। आरआई जो है दोस्तों, आरआई जो है वो सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है, आरआई जो है वो सेंट्रल बीएड है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी का है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी नेशनल मतलब सेंट्रल बीएड है। प्रारंभ जो है दोस्तों वो हरियाणा गवर्नमेंट का है,
ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट का है, तो ये स्टेट बीएड है, ठीक है, स्टेट बीएड। यहाँ पे स्टेट बीएड जो होता है आपके सब, मान लीजिए आपका आपका स्टेट के अंदर जो बीएड कॉलेजेस होते हैं वैसा ही प्रारंभ भी एक है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा हाई है अदर स्टेट बीएड से, तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे उड़ीसा में उड़ीसा का डिफरेंट डिफरेंट जीएम कॉलेज का बीएड होता है, उड़ीसा में रेवेन्सा का बीएड होता है, ठीक है, ऐसे आपके स्टेट में भी अलग अलग जगह पे बीएड होता होगा। स्टेट बीएड जैसा है प्रारंभ में से, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा एडवांस आपको मिलता है नॉलेज जब आप आरआई में जाते हैं। यहाँ पे आपका आरआई का एक टैग मिलता है जिसमें आपको बहुत फायदा होता है, जिसमें आप डायरेक्ट मतलब प्रेफरेंस पाते हैं जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं। क्लियर? तो मैंने डिफरेंस समझा दिया, ये जो है वो सेंट्रल बीएड है और ये जो प्रारंभ जो है स्टेट बीएड है। देखिए दोस्तों, बहुत लोग जो है वीडियो को एंड तक नहीं देखते और फिर मैंने जो चीज समझाया उसके ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं करता दोस्तों, क्योंकि आपका ही गलती, आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे। मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उनका रिप्लाई नहीं करता जो वीडियो को आधे देख के मेरे को फिर से मैसेज करते रहते हैं। हाँ, अगर वो लोग नीडी हैं तो मेरे को करियर काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरा सुपर 50 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वीडियो ना भी देखे तो मेरे साथ वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो ज्वाइन करना पड़ेगा एक मेंबरशिप या फिर अपना कोर्स। क्यों ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल सा बात मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपका रिप्लाई करता रहूं सबका तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अगर मान लीजिए एक एक आदमी के साथ मतलब मैं अगर 5 मिनट बात करूंगा तो 5 मिनट में आप सबको, मैं 5 मिनट में मैं पूरा लाखों लोगों को हेल्प कर सकता हूँ एक वीडियो से, तो 5 मिनट में मैं सिर्फ आपको हेल्प करूं या लाखों लोगों को हेल्प करूं, आप खुद सोचिए। क्लियर है ना? इसीलिए करियर काउंसलिंग में क्या होगा, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहेंगे मेरे साथ जो कि आपको, जो आप नीडी हैं तो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप अपना जो सुपर 50 बैच ज्वाइन कर सकते हो, फी बहुत कम है और सारे के सारे मतलब चीज आपको मिल जाएगा, ट्रिक्स और जो भी है सजेशन सब कुछ मिल जाएगा आपको उसमें। तो यहाँ पे देखिए, इस बार का कैसे एडमिशन होगा, 2020 का मैं बात कर रहा हूँ, आगे शायद अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप सबको पता है कि प्रारंभ का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, प्रारंभ का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ। ठीक है, अभी चल रहा है, अक्टूबर 10 में चल रहा है, 9 से शुरू हुआ, तो सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद, ऑनलाइन काउंसलिंग ये किनका हो रहा है, जिन लोगों ने प्रारंभ को टिक किया था आरआई का फॉर्म में, जिन लोगों ने प्रारंभ को टिक किया था बस उनको ही मैसेज आया है और वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबको भी नहीं आया, एक पर्टिकुलर परसेंटेज में आया, आपने बहुत कम परसेंट रखा है तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। जो लोग, देखिए ये चीज याद रखिए, जो लोग काउंसलिंग अटेंड नहीं करेंगे, काउंसलिंग वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, जो काउंसलिंग वाला फॉर्म नहीं भरेंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। क्लियर? तो काउंसलिंग अटेंड करोगे तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, सेम फंडा यहाँ पे। और देखिए सबका भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, यहाँ पे भी एक कट ऑफ रहेगा और उस कट ऑफ के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। सेम फंडा शायद इस साल, शायद बोल रहा हूँ, ठीक है, आरआई में इस साल एडमिशन दो तरीके से हो सकता है। पहले कहाँ का आरआई में आपको ये बता देता हूँ, आरआई जो है दोस्तों, आरआई आपको भुवनेश्वर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आरआई जो है ईस्टर्न जोन में आपको भुवनेश्वर में देखने के लिए मिलता है। क्लियर? उसके बाद आपको सेंट्रल जोन में भोपाल में देखने के लिए मिलता है, सदर्न जोन में मैसूर में देखने के लिए मिलता है, और वेस्टर्न जोन में अजमेर में देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न जोन में एक नेरी है, नॉर्थ ईस्ट आरआई जो शिलोंग में देखने के लिए मिलता है। तो ये 5 आ रही में, यहाँ पे प्रिंसिपल ये हो सकता है कि आइदर आपको पूरा ऑफलाइन बुला लेंगे, एक डेट देंगे, वहां पे आप सबको जाना पड़ेगा ऑफलाइन, या फिर इसका फंड अपना सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के बाद एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे एक पर्टिकुलर कटऑफ के साथ, और मेरिट लिस्ट में कुछ लोगों का सिलेक्टेड लिस्ट रहेगा और कुछ लोगों का वेटिंग में लिस्ट रहेगा, कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा और कुछ लोगों का वेटिंग में लिस्ट रहेगा। तो वेटिंग वालों का भी कभी कभी एडमिशन हो जाता है, बहुत बार वेटिंग वालों को चांस मिलता है, तो जिनका वेटिंग में चांस आता है वो लोग भी जाइए और सिलेक्टेड वालों भी जाइए। तो ये दो चीज हो सकता है, ऑफलाइन होगा तो भी वही होता है, ऑफलाइन होता है तो भी एक मेरिट लिस्ट निकलता है और मेरिट लिस्ट में एक सिलेक्टेड सेम लिस्ट रहता है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर अलग अलग लिस्ट निकलता है क्या, दो बार एडमिशन होता है क्या, स्पॉट एडमिशन होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही बार एडमिशन होता है और उसमें सिलेक्टेड लिस्ट निकलता है एक, और सिलेक्टेड लिस्ट के नीचे ही आपका मेरिट लिस्ट रहता है, तो एक ही लिस्ट आपका रहता है, एक ही पीडीएफ आपका रहता है। अगर बहुत सारे बच्चों ने, मान लीजिए 10 वैकेंसी हो गया तो दोबारा एडमिशन हो सकता है, लेकिन आरआई में ऐसा कभी नहीं होता कि वैकेंसी बहुत सारा हो जाए तो स्पॉट एडमिशन नहीं होता, एक आध बार कहीं कहीं पे हुआ है स्पॉट एडमिशन नहीं होगा कि, या फिर डबल एडमिशन नहीं होगा, एक बार ही एडमिशन होता है और उसी बार में आपको जाना पड़ता है।
तो ये था मैंने आपको कुछ चीज के बारे में बोला जिसका सिलेक्शन होता है। बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा जब पर्टिकुलर आएगा जब लिस्ट निकलता जाएगा, मैं लाइव सेशन करता रहूंगा आप सबका डाउट क्लियर करने के लिए। तो जो भी फ्री हेल्प चाहिए जिन लोगों से फ्री में हेल्प चाहिए तो फ्री वाले लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। इससे मतलब इसमें क्या होगा, लाइव सेशन में ही डिस्कस करेंगे, लाइव सेशन में आपका क्वेश्चन को मैं डील करने की कोशिश करूंगा। अगर लाइव सेशन से भी और ज्यादा इंडिविजुअल हेल्प चाहिए तो आप अपना मेंबरशिप ले सकते हो, जो स्टार मेंबरशिप है ये मेंबरशिप ले सकते हो, या फिर आप अपना जो सुपर 30 कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन द कोर्स या फिर टेक द मेंबरशिप सो दैट आई विल गाइड यू इंडिविजुअली फॉर योर फ्यूचर करियर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।